एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि DIT में आपका फर्स्ट डे कैसा होने वाला है, ओरिएंटेशन में आपसे क्या क्या करवाते हैं, ओरिएंटेशन में क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे काफ़ी बच्चे टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि दीदी ओरिएंटेशन में क्या होता है और फर्स्ट डे पर मैं क्या, फर्स्ट डे पर ही सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं फिर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊँगी ओरिएंटेशन में क्या होगा। कल से आपके ओरिएंटेशन स्टार्ट हैं 29 से। तो ओरिएंटेशन में आपको यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बाकी प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा और स्पीचेस होती हैं सारे प्रोफेसर्स की। तो थोड़ा बोरिंग भी होता है अगर आपको सुबह से, हाँ एक बार अगर आप एंटर कर जाते हो ऑडिटोरियम में फिर आपको बाहर नहीं निकलने देते हैं, आप मतलब फंस जाते हो, तो थोड़ा सोच समझ के जाना अगर अंदर जाओगे तो। लेकिन मज़े भी आते हैं उसमें। सीनियर्स आपको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लाइक अगर आपकी जो भी हॉबी है, जैसे आप अगर डांस के लिए बोला तो रैंडमली आपको उठा देंगे और बोलेंगे डांस करो, या फिर एक्टिविटी कुछ भी। तो सीनियर्स एक्टिविटी भी करवाते हैं, बट उससे ज़्यादा आप बताती है जब सुबह 9 बजे से, आप 9 बजे का टाइमिंग होता है और 9 बजे से 5 बजे ही वो आपको छोड़ते हैं, बाहर ही नहीं आने देते। पिछली बार बच्चे बहुत परेशान हुए थे, अंदर ऑडिटोरियम में बैठ के मैसेज करते हैं कि अब बाहर कैसा है, दीदी बता दो प्लीज़ कुछ। तो ओरिएंटेशन में आपको जाना ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो तो आप चले जाओ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स वगैरह वहाँ से बन जाते हैं। 5 दिन का ओरिएंटेशन चलता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, बस ऐसी स्पीचेस वगैरह लेक्चर्स यही चलता है। ओरिएंटेशन में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत फ्रेंड्स बन जाते हैं सारे डिपार्टमेंट के, लाइक BTech, फार्मेसी और BCA सारे ही डिपार्टमेंट के बच्चों का होता है ओरिएंटेशन, उसमें सारे के सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, तो तब आप फ्रेंड बना सकते हो। फिर बाद में तो बात नहीं होती है, क्योंकि जैसे फार्मेसी के अलग जाएंगे, BCA वाले अलग जाएंगे, BTech वाले अलग जाएंगे, तो आप नहीं बात कर पाते हो, सिर्फ क्लब्स में बात कर पाओगे। तो ओरिएंटेशन में ये प्रॉफिट हो जाता है कि अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप जा रहे हो डायरेक्ट। ये भी पूछ रहे थे कि दीदी हम क्या मतलब कौन क्या पहन के आना होता है फर्स्ट डे, यूनिफॉर्म क्या पहन के आएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेंगे? नहीं, जो मर्ज़ी आपके वो पहन के आ सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म तो अभी आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी और वो इतनी मतलब जल्दी नहीं मिलती है, अभी जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे मिड टर्म के तब तक वो यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो तब तक आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई नहीं रोकता है। और क्या क्या चीज़ आपको लेके आनी है, आपका टिफ़िन बॉक्स, वैसे तो आप बाहर भी खा सकते हो बट मे भी आपको पसंद ना आए, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, एक नोटबुक, 3 चीज़ें लेके आ जाना। बच्चे पूछे थे कि क्या बुक्स लेके आनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री किस चीज़ की बुक लेके आनी है, तो बुक और लाइब्रेरी का क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। बुक्स आपको पूरे BTech के 4 साल में या फिर BCA किसी भी कोर्स में आपको एक भी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिल जाती हैं। और जो बाकी मटेरियल होता है वो प्रोफेसर प्रोवाइड करवा देते हैं थ्रू PDF, तो कोई बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक आपको लेके आनी है साथ में, सब कुछ कॉलेज से मिल जाएगा। एंड आई होप आपका दिन अच्छा जाए कल, ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छे से दोस्त बनाना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।